जब भी कोई एक्टर नई फिल्म लेता है तो सबसे पहले क्या देखता है, क्यों वो फिल्म करना चाहता है, इस बारे में बात करूंगा। महेश चिकलांगिया मेरा नाम है, फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर है जो इनको तंग करता रहता है, रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, मतलब करोड़ों की रिश्वत छुपा लेते हैं, और इनकी लाइफ का हिस्सा है, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये इनकी लाइफ में बीता है ऐसा। और आज के दिन अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए और हम छोटे बच्चों के लिए जो जिनको पता चले, और जो करप्शन, जितनी भयंकर करप्शन इस देश में है कि मतलब हजारों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, और पब्लिक का पैसा कैसे दुनिया मतलब कुछ हाथों में जा रहा है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है ये फिल्म, कटाक्ष है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म करने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही था। मैंने ये भी नहीं पूछा मेरा रोल क्या है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि एक ऐसे इंसान की कहानी है और उन्हीं की लाइफ है जिनका 5 साल की उम्र में आंखें और कान मतलब काम से चले गए, ऑलमोस्ट मतलब पूरा 100% नहीं लेकिन काफी बुरा प्रभाव पड़ा, और किस किस तरीके से उसने उन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की, और उनका जुझारूपन और उनकी जिद, उसकी कहानी है ये, एक जिद की। जैसे दंगल फिल्म में फोगाट जो थे फादर, उसकी जिद थी कि मैं अपनी बेटियों को गोल्ड मेडल दिलाऊंगा पूरे देश के लिए, और उन्होंने जिद पूरी करके ही माने वो, और उस तरीके की एक जिद इन्होंने जो बचपन में ख्वाब देखा था कि भगभगुआ गाड़ी कौन लोग चलाते हैं, ये है कौन, जैसे सत्यजीत रे की फिल्मों में आपने देखा होगा पाथेर पंचाली में खासकर, एक ट्रेन आती है तो ट्रेन उनके लिए एक अजूबा है, बच्चे के लिए और दोनों बहन भाई के लिए, तो वो जो अजूबा है कभी वो अजूबा उनके लिए सपना लगता है, लेकिन जब वो अजूबा खुद उसमें सवार होकर जाते हैं या भगवा गाड़ी में जब वो खुद आज जा रहे हैं, और आज मतलब इन्होंने कितने नियम चेंज करवा दिए और कितना कुछ इन्होंने काम किया है इस फील्ड में, इतनी ईमानदारी से काम किया है कि मतलब जो करप्शन वाला अफसर है वो इनके सामने खड़े होने से भी डरता है कि कहीं कुछ मतलब हमारे ऊपर ना आ जाए बात। तो मेरे ख्याल से मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था कि ऐसी इंसान की कहानी है तो मैं जरूर करूंगा, और आप वो जो रोल देना है दे दीजिए, मैं एक दिन का काम होगा मेरा गेस्ट अपीयरेंस में डाल दीजिए, मैं चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो हमने ये फिल्म की और पूरे झारखंड में जमशेदपुर में शूटिंग थी, मेरी तो सारी जमशेदपुर में ही शूटिंग थी, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि इनको कम दिखता था तो इनको एक्शन सुनता नहीं था कई बार, तो ये शुरू ही नहीं होते थे, तो इनको पीछे से मतलब ऐसा ऐसा करके कि हाँ चलिए तो ऐसा करना, कई बार रीटेक भी होते थे, कई बार रस्सी बांध के खींचा जाता था कि ये हाँ ये हिलते ही आप शुरू कर दीजिए। तो ये एक्सपीरियंस मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, पूरी मतलब कम से कम 80-90 फिल्में हो गई है मेरी, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी एक कर्तव्य है, मीडिया का भी, कि और झारखंड की फिल्म है तो झारखंड के लिए मुझे लगता है कि फिल्म को जितना ज़्यादा पब्लिसिटी मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। और झारखंड में अभी एक क्रांति तो आ ही रही है, एक अभी मैं 20 दिन शूटिंग करके गया हूँ पंचलाइट, भुवनेश्वरनाथ रेणू की एक कहानी है, तो तीसरी कसम के बाद पंचलाइट की फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है उसकी कहानियों पर, तो बड़ा झारखंड में अभी बहुत क्रांति मुझे लगता है आएगी, और ये फिल्म अपने आप में एक मिसाल बन जाएगी मेरे ख्याल से। अब मुझे मेरी पूरी उम्मीद है एक मिसाल कायम होगी और काफी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगी, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो झारखंड में फिल्म बनाने वाले लोग हों, चाहे वो मास कम्युनिकेशन वाले लोग हों, चाहे वो मीडिया वाले लोग हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी ये फिल्म। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी फिल्म के साथ, और आप भी जितना हो सके टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ग्रुप्स में, अब इसके पोस्टर और इसके प्रोमोज ये यूट्यूब में है ना, अजब सिंह की गजब कहानी, तो यूट्यूब में प्रोमोज वगैरह शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और जितना हो सके इसे पब्लिसिटी कर दीजिए, क्योंकि हमारे प्रदेश की कोई फिल्म अगर हिट होती, जैसे मैं हरियाणा में हूँ तो आजकल हरियाणा के प्रोत्साहन के लिए, हरियाणा में प्रमोशन के लिए बहुत काम कर रहा हूँ मैं, तो उसी तरीके से हर प्रदेश में अभी एक कौन सी भोजपुरी फिल्म भी आने वाली है मेरी, आपके यहाँ रिलीज होने वाली, हमीर करके है, रवि किशन और मैं हूँ, मैं विलेन हूँ, वो हीरो हैं डबल रोल में, तो वो भी झारखंड में लगेगी,
तो उस तरीके से मैं प्रदेशों में जाकर काम बहुत कर रहा हूँ आजकल। मुझे बॉलीवुड की सलमान खान की ट्यूबलाइट आने वाली है बड़ी फिल्म में, लेकिन उसके अलावा मैं आसामी फिल्म कर रहा हूँ, गुजराती कर रहा हूँ, तेलुगु कर रहा हूँ, पंजाबी कर रहा हूँ, हरियाणवी कर रहा हूँ, तो भोजपुरी कर रहा हूँ। तो मुझे ये जो सिनेमा है, मुझे लगता है ये सिनेमा के अंदर असली मिट्टी की खुशबू और असली गांव और असली लोग देसी, मतलब मुझे उस तरीके का अभी मजा आता है इसलिए करके। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है, एक क्षेत्र में आकर के मैंने काम किया, अब हिंदी फिल्म में वो भी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको और ऋषि जी को भी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।